हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैं बना रही हूँ चंडीगढ़ में फिर से, क्योंकि आज एक्चुअली जो मैं चंडीगढ़ इसलिए आई थी क्योंकि मेरी भाभी के बेबी हुआ हुआ था। तो आज वो बेबी 11 डेज का हुआ है, तो आज हमारे घर में शुद्धि वगैरह है। और वैसे तो हवन होता है कई जगह पर, हमारे जो बेबी है इसका हवन 27 डेज के बाद, 27 दिन के बाद होगा। आज सिर्फ नॉर्मल से शुद्धि वगैरह होगी, गंगा जल वगैरह छिड़केंगे। और आज शायद यहाँ पे बधाई देने वाले भी आने वाले हैं। तो यहाँ पे जितनी भी शादियाँ वगैरह होती है, बच्चे पैदा होते हैं, और हमारे यहाँ तो लड़का पैदा हुआ है, तो ये लोग वो लोग आते हैं, बधाई देते हैं, किन्नर वगैरह आते हैं, नाचते गाते हैं, बधाई देते हैं बच्चे को और आशीर्वाद वगैरह देते हैं। तो वो लोग भी आज आने वाले हैं, तो मैं आप लोग उनको भी दिखाऊँगी थोड़ी देर में। शायद वो पहुँचने वाले हैं और तब तक मैं फ्रेश हो ले जाओ। मैं तो देखने में कर रही हूँ। मैया तेरी चुन्नी नू, मैया तेरी चुन्नी नू, सितारे लगे हुए है।
Let me go.
इतने चावल तुमने खाने, इतने अपने हस्बैंड को खिला दिए, ठीक है। बाकी चावल जो बचे हैं हरे कपड़े में बांध के, वो हरे कपड़े में बांध के तीन गट लगा के अलमारी में रख लेना, ठीक है। जब बेबी होगा सबसे पहले चावल संभाल के रखने, ठीक है। राजी रहो, मालिक राजी रखे, हरे कपड़े में। मैंने सोचा एक भी करवाना, मैंने सोचा ये मान लिया बहुत एक पीस नाल नहीं खाते सरना है, असीं लवांगे बाद जो मैं खा लिया से। नहीं नहीं दे रहा, चल खा खा खा। अब हमने क्या डाला है कि पे। तो ये जो बधाई देने के लिए आए थे, ये भी अब अपने घर जा रहे हैं। इन्होंने बधाई ले ली है, हमारे छोटे से काकू को भी बधाई दे दी है, और यहाँ पे आस पड़ोस की औरतें भी आई हुई थी। तो अब सभी लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। तो व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तो मेरे इस व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय।